नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? दो दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाया, कुछ तबीयत खराब थी तो कुछ समस्या थी मेरे साथ, तो इसकी वजह से आज भी कुछ संतोषजनक नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप एक वीडियो बनाकर आप लोगों के पास पहुँचा दूँ। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में जितने भी संज्ञा के बारे में, तो हमने पढ़ा संज्ञा, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और अब जो हम पढ़ रहे थे, अभी तीन चार वीडियो पिछला हमारा था, वो था कि भाववाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, किन किन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो हमने देखा व्यक्तिवाचक शब्द से भाववाचक संज्ञा बनता है, जातिवाचक शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, और क्रिया शब्द से बनता है, सर्वनाम शब्द से बनता है, अव्यय शब्द से बनता है, यानी कि इन शब्दों से जो है भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है वो हमने देख लिया है। आज मैं कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि जैसे हम अलग अलग तो पहचान लेते हैं कि ये गुणवाचक शब्द है और ये भाववाचक है, लेकिन जब कहीं हमें इकट्ठा देखने को मिलता है तब समझ में नहीं आता। तो मैम, गुणवाचक और भाववाचक में अंतर क्या है, गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा में अंतर क्या है, ये बता दीजिए। तो आज मैं स्पेशल रूप से भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में अंतर पढ़ाने के लिए लाई हूँ कि ये जो गुणवाचक विशेषण होता है और भाववाचक संज्ञा होती है, ये बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, तो हम उसे कैसे पहचाने, वही चीज़ मैं आज बताने लाई हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। ये वैसे तो मैं इसे ओरली ही बता सकती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आप लिखित रूप में देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिख कर रख लेंगे तो बाद में पढ़ने के काम आएगा, अभी समझ लीजिए। तो इसलिए मैंने इसे लिख लिया है ताकि टाइम बच सके। तो देखिए, ये मैंने लिखा है भाववाचक संज्ञा, अंतर किस में है, गुणवाचक विशेषण में और भाववाचक संज्ञा में अंतर पढ़ना है हमें। तो ये मैंने अलग अलग ही लिख लिया है दो पार्ट में, इधर विशेषण है और इधर भाववाचक संज्ञा है। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी के भाव, गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था आदि के नाम का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। दोष का मतलब जो इंसान के अंदर या वस्तु के अंदर या स्थान के अंदर जो दोष दिखाई देता है, किसी स्थान पर, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, वो दोष होता है। ठीक है, दोष का मतलब क्या हो गया, कमी है ना, गलती, तो वो दोष होता है उसका। जो जानबूझकर गलती करे वो भी दोष होता है, जो गलती से हो जाए वो भी दोष होता है, जो हमेशा के लिए उसमें विद्यमान होता है वो भी दोष होता है। ठीक है, तो दोष हो गया। दशा का मतलब होता है स्थिति, दशा का मतलब क्या होता है, स्थिति, जिसे कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और अवस्था का मतलब होता है, एक समय सूचक शब्द है अवस्था, है ना, किस अवस्था में हो, अवस्था का मतलब हो गया बचपन, जवानी, बुढ़ापा, है ना, ये सारे जो हैं हमारे ये अवस्थाएं होती हैं। ऐसे ही वस्तुओं की भी अवस्थाएं होती हैं, पेड़ पौधों की भी अवस्थाएं होती हैं, है ना, और स्थानों की भी अवस्थाएं होती हैं। ये स्थान इस अवस्था में है ना, बेरोजगारी की अवस्था में है, जैसे कहते हैं ना बिहार बेरोजगार है, बेरोजगारी की अवस्था में है। ठीक है, तो वो अवस्था होती है। ठीक, तो ये जो है क्या होता है, तो इन चीज़ों के जब हम नाम का बोध करते हैं, यानी कि नाम लिया जाता है उन चीज़ों का, किस चीज़ का, भाव का नाम, जैसे चोर है ना, चोर जो है वो क्या है, एक जो है चोरी करने वाला व्यक्ति हो गया। ठीक है, महेश चोर है, तो चोर क्या हो गया, एक विशेषण शब्द हो गया, लेकिन चोरी क्या हो गया, चोरी जो है वो भाववाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि वह जो चोर है वो क्या करता है, चोरी करता है ना, तो ये भाव, उसके अंदर के भाव है ये। ठीक है, उसके बाद गुण हो गया, उसके गुण जो हैं अंदर के गुण क्या हैं, कौन कौन से गुण हैं। अब गुण का मतलब अच्छाई होता है ना, गुण का मतलब कहते हैं ना इसके, उसमें ये क्वालिटी है, तो क्वालिटी का मतलब गुण होता है, उसे हिंदी में कहते हैं, तो उसका मतलब तो अच्छाई ही होनी चाहिए ना। और जो उसमें बुराई है,
बुराई को क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। गुण कहते हैं अच्छाई को, दोष कहते हैं बुराई को, ठीक है ना? याद रखिएगा इन चीज़ों को। अभी हम देख लेते हैं नीचे थोड़ा सा। दशा मैंने बता दिया कंडीशन होता है, अवस्था का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्टेज। स्टेज का मतलब होता है जैसे बीमारी है तो कहते हैं कि किस स्टेज पर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, है ना, वो भी स्टेज होता है। ऐसे ही इंसान के स्टेज को देखा जाता है, अवस्था को। तो बचपन हो गया, ठीक है, किशोरावस्था हो गया, जवानी हो गया, और फिर उसके बाद जो है बुढ़ापा हो गया, है ना, प्रौढ़ा अवस्था हो गया। तो कई सारी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? स्टेज हैं। इसे अवस्था को, अवस्था जो है इसको अंग्रेजी में स्टेज कहते हैं। दशा को अंग्रेजी में कंडीशन कहते हैं। दोष को, दोष का मतलब होता है किसी में जो बुराई विद्यमान होती है, ठीक है, उसको दोष कहा जाता है। गुण का मतलब होता है जो किसी में अच्छाई विद्यमान हो, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, यदि उसमें अच्छाई है तो वह उसके गुण हैं, यदि उनमें बुराई है तो वह उसके दोष हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। भाव का मतलब होता है, मैंने जैसे मान लिया कोई भगवान में विश्वास रखता है तो वो आस्तिक हो गया, वो उसके भाव हैं, ठीक है, नहीं रखता है तो नास्तिक हो गया, वो उसके भाव हैं, तो उसको भाव कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ मैंने उदाहरण भी दे रखे हैं, अब ये उदाहरण मैं भी, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है पहले ही, तो मैं इसे दोहराऊंगी नहीं। आइए यहाँ देख लेते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, रूप, स्वाद, गंध आदि अवस्था का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। बोध कराते हैं होना चाहिए, मैंने होता है लिख दिया है, ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ लीजिएगा इसको, तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ भी वही बात आती है। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये कह रहा है कि जो ये सारी चीज़ें लिखी हैं हमने, यानी गुण हो गया, दोष हो गया, कंडीशन हो गया, है ना, दिशा हो गई, है ना, रंग रूप हो गया, स्वाद हो गया, गंध हो गया, है ना, ये सभी जब अपने रूप में आते हैं, विशेषण के रूप में, यानी विशेषता बता रहे होते हैं, तब क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। लेकिन जब यही पलट करके उस विशेषता का नाम बता रहे होते हैं, तब वह क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो आप कहोगे कि मैम ये तो हम बार बार बताती रहती हूँ, हमें समझ में नहीं आता, हम जानते हैं फिर भूल जाते हैं। तो चलिए वाक्य प्रयोग करके देखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है सुंदरता, अब यहाँ वाक्य में देख लीजिए, जैसे मैं लिखती हूँ मोहन, मोहन सुंदर है, ठीक है, मोहन सुंदर है। अब हमें वाक्य देखना है, अब प्रश्न चिन्ह किस पे लगेगा? इसी पे, है ना, कौन सुंदर है? मोहन सुंदर है, है ना, कौन सुंदर है? मोहन सुंदर है। क्या अच्छा है? फूल अच्छा है, है ना, यही तो सुंदर है, ठीक है, क्या सुंदर है? फूल सुंदर है, यानी चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो या स्थान हो, ठीक है, उसे जब हम सुंदर कहेंगे तब वह क्या होगा? एक विशेषण होगा। अब यहाँ पर किसकी विशेषता? सुंदर शब्द जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? मोहन का। लेकिन अब मैं दूसरा इसी का लिखती हूँ, मोहन, समझ लीजिएगा, थोड़े से में समझना ज़्यादा समझ में आता है, सुंदरता है, मोहन सुंदरता है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए इसमें, इसमें क्या फर्क है? कहीं ऐसे होता है मोहन सुंदरता है? ऐसे नहीं होता ना, होता है मोहन सुंदर है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि सुंदरता क्या हो गया, इसी सुंदर का भाव बता रहा है ये, ठीक है, इस वाक्य में इसका कोई प्रयोग नहीं है। ये क्या हो सकता है? मोहन में, मोहन, ये वाक्य जो है बदल जाएगा, मोहन में सुंदरता विद्यमान है, मोहन में सुंदरता विद्यमान है ना,
या उस जगह पर सुंदरता विद्यमान है ना। तो ये जब हम इस तरीके से उस जगह पर सुंदरता विद्यमान है, उस वस्तु में सुंदरता विद्यमान है, या फिर उस व्यक्ति में सुंदरता विद्यमान है, तब ये क्या कह रहा है? जो सुंदर शब्द है उसी का भाव बता रहा है, यानी वह तो सुंदर तो है ही, इतना सुंदर है कि उसमें सुंदरता व्याप्त हो रही है ना, झलक रही है, कहते हैं ना। तो वो जो सुंदर हो गया तो वो तो विशेषण हो गया, किसी एक जो है व्यक्ति का बता रहा है कि ये सुंदर है, इसमें सभी चीज़ों की सुंदरता नहीं आएगी। ठीक है, यदि उस व्यक्ति में सुंदरता है तो व्यक्ति में अगर सुंदरता है तो उसे एक व्यक्ति के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, अब कहते हैं उस स्थान पर तो सुंदरता विद्यमान है, या किसी शादी में गए थे है ना, तो वहाँ जो थी जो भी सजावट थी, तो आपने कहा कि वहाँ तो इतनी सजावट थी कि मतलब देखे नहीं जा रहा था। सजावट शब्द क्या हो गया? सजावट जो है वो भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी तरीके से किसी व्यक्ति में वस्तु में सुंदरता विद्यमान होती है, वो देखने में इतनी अच्छी लगती है, इतनी सुंदर लगती है, तो हम कहते हैं इसमें सुंदरता विद्यमान है, सुंदरता व्याप्त है, सुंदरता झलक रही है, तो वो क्या होता है? भाव होता है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, यदि किसी की विशेषता ऐसे लिखी हुई है तब वह विशेषण होगा, लेकिन अगर हमने ये कह दिया मोहन सुंदरता है, तब अपने आप ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये वाक्य ही सही नहीं है, तो ये सुंदरता कैसे आएगा, है ना। यानी सुंदरता आना है तो कैसे आएगा? मोहन में सुंदरता विद्यमान है, उस जगह पर सुंदरता विद्यमान है ना, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये एक शब्द समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरी तरफ, मैं ज़्यादा समझाने लगती हूँ। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा है जैसे कुरूपता। अब कुरूपता और सुंदरता समझ में आ गया होगा। कुरूपता का अर्थ होता है जिस जो भद्दा चेहरे वाला हो, जो सुंदर ना हो, है ना, तो उसे कुरूप कहते हैं। एक सुंदर ना हो लेकिन फिर भी काम चलाऊ है, लेकिन एक होता कुरूप। कुरूप का मुंह टेढ़ा, आँख टेढ़ी, या जैसे मेरे जैसे छोटी छोटी आँखें, है ना, तो ऐसे को कुरूप कहा जाता है। मतलब ठीक है, कुरूप का मतलब जो भद्दा हो, जैसे बारह सिंहा की जो सिंह होती हो, टेढ़ी की मेढ़ी, इधर का उधर निकली हुई, तो वो कुरूप होता है उसका, जो बेढंगा होता है, जो बेढंगा चेहरा हो उसे कुरूप कहते हैं। ठीक है ना, तो मोहन कुरूप है हो गया। तो यहाँ तो मोहन की विशेषता कुरूप से हो रही है, तो कुरूप जो हो विशेषण हो गया, लेकिन उसी में भी ता लगा दे तो मोहन कुरूपता है नहीं होगा ना, मोहन में कुरूपता है ना, इस तरीके से कहेंगे तब कुरूपता क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, लेकिन मोहन कुरूप है तब कुरूप जो है वो विशेषण शब्द होगा। ऐसे ऐसे समझ लीजिए इस चीज को। अब यहाँ लिखा है क्रोध और यहाँ लिख दिया है मैंने क्रोधी। कहते हैं कि मुनि को बहुत क्रोध आया, मुनि को बहुत क्रोध आया, क्या आया? क्रोध आया। ठीक है, तो क्या आया उनके अंदर? क्रोध आया, लेकिन वो आया जो वो उसका विशेषण नहीं है। ठीक है, वो उसका विशेषण नहीं है, बल्कि उसका भाव है कि उसके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा है, वो उसके अंदर के भाव हैं, तो ये भाववाचक विशेषण में आएगा। लेकिन कहा गया मुनि बहुत क्रोधी है, मुनि बहुत क्रोधी है, या मुनि क्रोधी है ना, तो क्रोधी शब्द क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, किसकी? मुनि की। जो ऋषि मुनि हैं, दुर्वासा ऋषि की बात करूँ तो दुर्वासा ऋषि क्या थे? बहुत क्रोधी थे, और जब क्रोध में आते थे तो वह दूसरे को श्राप दे देते थे। ठीक है, दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर के शकुंतला को श्राप दे दिया, है ना, इसे कहते हैं। तो क्रोध क्या हो गया? भाव, उनके अंदर वही भाव विद्यमान है, क्रोधी बहुत है। ठीक है ना, क्रोधी बहुत हैं, उनकी विशेषता है क्रोधी होना, यानी क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उसी क्रोधी उनकी विशेषता को जब हम भाव में बदल देते हैं, उनके भाव को निकालने लगते हैं, तब वह क्या होता है? क्रोध। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं लिखती हूँ दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि क्रोधी थे। ठीक है, अब यहाँ कौन क्रोधी थे? दुर्वासा ऋषि क्रोधी थे, सटीक बैठ रहा ना वाक्य। लेकिन अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ
ये इतना हो गया, ये दोनों हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दुर्वासा ऋषि क्रोध थे, क्या ये सटीक बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है ना, सटीक नहीं बैठ रहा क्रोध, तो ये गलत हो गया ना। इसका मतलब है कि क्रोध जो शब्द है वो दुर्वासा के अंदर के भाव को बता रहा है, यानी दुर्वासा में क्रोध बहुत अत्यधिक था। तो क्रोध जो बताया जा रहा अब वो विशेषण नहीं बताया जा रहा, अब वो उसके भाव को प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है, भाव बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दुर्वासा ऋषि क्रोधी थे, तो दुर्वासा क्रोधी कौन था? दुर्वासा, यानी कि क्रोधी जो विशेषता है वो किसकी है? दुर्वासा की। तो क्रोधी शब्द जो है वो विशेषण हो गया और क्रोध शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी तरीके से अब लिखूंगी नहीं, ओरली बताऊंगी, ज़्यादा लिखने से समझ में नहीं आता। अब जैसे ये है प्रेम, तो मैं कहूंगी कि मोहन प्रेम करता है, ठीक है, मोहन किसी से प्रेम करता है या ऐसे ही प्रेम करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है, अपने बीवी से प्रेम करता है ना। तो प्रेम शब्द क्या हो गया? कौन प्रेम करता है? मोहन। तो प्रेम शब्द क्या हो गया? मोहन के स्वभाव की विशेषता हो गई, ठीक है, कि मोहन में जो प्रेम की जो भावना है वो विद्यमान है। लेकिन अभी मैं कहूँ कि मोहन प्रेमी है, ठीक है, तो मोहन प्रेमी है वो किस में आ जाएगा? मोहन क्या है? प्रेमी है। तो प्रेमी शब्द जो होता है वो विशेषण हो गया, और जो प्रेम शब्द है वो उसके अंदर के भाव हैं, ठीक है, कि वह दूसरे को प्रेम करता है, यानी कि जो वह अंदर से क्या है? प्रेमी है। उसका जो भाव है वो क्या है? प्रेम का है, वो सबसे प्रेम करता है, यानी किसी से भी नफरत नहीं करता, ठीक है। तो वो कैसे स्वभाव का है? प्रेमी स्वभाव का है। प्रेमी क्या है? विशेषण है। क्या करता है? प्रेम करता है। प्रेम क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जो उसके अंदर विद्यमान है, प्रेम उसके अंदर विद्यमान है, जिससे वह सभी को प्रेम करता है। तो उसका स्वभाव कैसा हुआ? प्रेमी हुआ। तो वह प्रेमी शब्द जो है वह विशेषण हो गया और प्रेम शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। मोहन ईमानदार है। मोहन क्या है? ईमानदार है। तो उसकी अच्छाई को बताया जा रहा है, ईमानदार है तो विशेषण हो गया। लेकिन मोहन की ईमानदारी का क्या कहना, ऐसे कहते हैं ना, तो जब मोहन की ईमानदारी का क्या कहना, तो ईमानदारी शब्द क्या हो गया? उसके अंदर के भाव हो गए, वहाँ भाव बताया जा रहा है, ना कि उसके विशेषण को, ठीक है, उसकी विशेषता को नहीं बताया जा रहा, उसके भाव को बताया जा रहा है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, क्योंकि देखो ऐसे समझो ईमानदार है, तो ईमानदार शब्द क्या है? एक विशेषण है। ईमानदार किसको कहेंगे? विशेषण को कहेंगे, ठीक है। कौन ईमानदार है? मोहन ईमानदार है, ठीक है। लेकिन अगर उसी ईमानदार को कोई नाम दे दिया जाए तो उस भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। ईमानदार को नाम देने के लिए ई प्रत्यय लगाना पड़ेगा, हो जाएगा ईमानदारी, और ईमानदारी जो है वो एक नाम हो गया। किसका नाम हो गया? कि ये कभी हमसे चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी पैसे नहीं चुराता, है ना, यानी कि जो काम करता है वो अच्छे नीयत से करता है, चाहे वो पीठ पीछे हो चाहे सामने हो, ठीक है। तो उसे कहते हैं ईमानदार, जो ठगी बेईमानी ना करे, ठीक है, वो ईमानदार होता है। तो ये तो उस व्यक्ति की विशेषता हो गई ईमानदार। लेकिन जब उसके भाव निकालेंगे तो होगा बड़ी की मात्रा लगा करके, बड़ी लगाएंगे उसमें ई प्रत्यय ईमानदारी। ईमानदारी क्या हो गया? एक नाम हो गया जो उसके अंदर विद्यमान है, उसके भाव को दिया कहा जा रहा है, नाम दिया जा रहा है ईमानदारी, ठीक है। तो ईमानदारी शब्द क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही बेईमान, बेईमानी कर रहा है तो बेईमान कहा जाएगा, और ई प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा बेईमानी। तो बेईमानी का हो क्या हो गया? इसी बेईमान शब्द को एक नाम दे दिया गया, बेईमानी, ठीक है ना, तो वो भाववाचक संज्ञा हो गया। सुंदरता भाववाचक संज्ञा हो गया, कुरूपता भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है ना। प्रशंसा, अब प्रशंसा शब्द जो है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, मैंने इसमें विशेषण में इसको लिख रखा है, ठीक है, विशेषण में इसको मैंने लिख रखा है। वैसे प्रशंसनीय नहीं हो, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, प्रशंसनीय जो है यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि प्रशंसा के योग्य है, मोहन प्रशंसा के योग्य है, ठीक है। तो प्रशंसा शब्द क्या हो गया? एक विशेषण शब्द के रूप में हो गया, लेकिन प्रशंसनीय है, उसका काम सराहनीय है, उसका जो काम है वो प्रशंसनीय है। तो प्रशंसनीय, सराहनीय, सब क्या है?
भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। मोहन लंबा है, तो लंबा क्या हो गया, वो उसके हाइट की विशेषता, जो उसकी लंबाई है उसकी विशेषता है। लेकिन मोहन की लंबाई तो बहुत है, तो लंबाई क्या हो गया, उस लंबा शब्द का विशेषण हो गया, यानी लंबाई के उसके उसके लंबा होने का एक नाम दे दिया गया, लंबाई, ठीक है ना। तो वो भाववाचक शब्द हो गया। ऐसे ही बड़ा, बड़ा शब्द जो है ये विशेषण है, ठीक है, बहुत बड़ा है, मोहन बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा का मतलब होता है नियत में बड़ा, पैसे में बड़ा, है ना, ईमानदारी में बड़ा, हर चीज़ में जो बड़ा हो उसे बड़ा कहा जाता है। अब जब हम उसकी तारीफ करने लगते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं, तब क्या कहते हैं उसको, बड़ाई। मोहन की तो बड़ी बड़ाई हो रही है ना। तो एक बड़ा हो गया, बड़ा का मतलब खूब लंबा भी होता है, और कद में भी, पद में भी, है ना, पैसे से भी, नियत से भी, दिमाग से भी, बुद्धि से, मन से भी, है ना। लेकिन उसी में जब ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तब होता है बड़ाई, यानी कि जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसको बड़ाई कहा जाता है। बड़ाई, बड़ा का एक नाम को एक नाम दे दिया जाता है, बड़ाई। तो बड़ा शब्द विशेषण है, बड़ाई क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही छोटा का होगा छुटपन, बचपन, छुटपन यानी छोटेपन पे, बचपन का माने बच्चे थे जब हम। तो यहाँ बड़ा, छोटा, बच्चा, ये सब तो जो है भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये जातिवाचक है, सॉरी, ये जातिवाचक है, मैंने इसको भूल से लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ बचपन लिखा था इसलिए मैंने उसको उठा के वहाँ पे लिख दिया, ध्यान नहीं दिया, वो जातिवाचक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जातिवाचक संज्ञा है, वो मैंने, वो बताने के लिए मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया और ध्यान नहीं दिया, ये जातिवाचक संज्ञा है। बचपन हो गया, ठीक है। तो बचपन किससे बना है, जातिवाचक संज्ञा है, बच्चा उससे बना है, बचपन या अवस्था को का बोध करा रहा है, ठीक है। छुटपन हो गया, छुटा। इस प्रकार से जितने शब्द मैंने लिखे हैं तो ये क्या हैं, अगर किसी विशेषण को का जो नाम होता है वो दिख रहा है वाक्य में तो वह भाववाचक संज्ञा हो गया होगा, और यदि विशेषण दिख रहा है तो वह विशेषण ही होगा। देखिए विशेषण पहचानने का, ऐसे एक किनारे का वो उसको निकाल लीजिए, पद, पद छांट लीजिए, उसमें एक कर्ता होना चाहिए, एक कर्म होना चाहिए, एक विशेषण होना चाहिए और एक क्रिया होनी चाहिए, एक सहायक क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। तो मेन रूप से कर्ता, कर्म, विशेषण और क्रिया। तो अगर कर्ता, कर्म और विशेषण तीन विद्यमान है क्रिया के साथ, तो आप एक प्रश्न करना कि जो विशेषण बताया जा रहा है वो किसके लिए है। यदि कर्ता के लिए है तब वहाँ वो विशेषण होगा, जो विशेषता बताई जा रही है। यदि कर्ता के लिए नहीं है, कुछ और अर्थ निकल के आ रहा है, तब वह विशेषण जो है, जो विशेषता बताई जा रही है, वो भाववाचक होगा, तब वहाँ पर विशेषण नहीं होगा। यदि कर्ता के अनुरूप विशेषता बताई जा रही है तब वह विशेषण होगा, लेकिन यदि कर्ता के अनुरूप विशेषता नहीं बताई जा रही है तो वह भाववाचक संज्ञा होगा। जैसा कि मैंने अभी दो तीन वाक्य लिख के बताया, जैसा ये दुर्वासा ऋषि क्रोधित है, तो यहाँ पर दुर्वासा कौन क्रोधित है, दुर्वासा ऋषि क्रोधित है, यानी कि यहाँ विशेषता बताई जा रही, विशेषण है। लेकिन दुर्वासा ऋषि के अंदर बहुत क्रोध था, घुमाकर लिखा हो, दुर्वासा ऋषि के अंदर बहुत क्रोध था, तब जो क्रोध शब्द है वह भाववाचक है। अब ये भाववाचक क्यों बन गया, क्योंकि क्रोधी शब्द का एक नाम दे दिया गया है, क्रोध किसी में भी हो सकता है, और उस क्रोध को एक क्रोधी कोई भी हो सकता है, और उस क्रोधी को एक नाम दे दिया गया है क्रोध, यानी क्रोध किसी में भी विद्यमान हो सकता है, क्रोधी कोई भी हो सकता है, लेकिन इस क्रोधी को एक नाम दिया गया क्रोध, ठीक है। तो क्रोध जो है ये भाववाचक संज्ञा है, क्रोधी जो है ये उसकी विशेषता है, किसकी, दुर्वासा ऋषि की या किसी की भी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि समझ में नहीं आया है, तो मैं उसे और क्लियर करने की कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, खूब ध्यान से पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे, और सब्सक्राइब ना किए हों, नए देख रहे हों हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कैसा लग रहा है आपको, अच्छा बुरा जो भी लग रहा है वो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। बुरा लग रहा है तो बुरा ही लिख दीजिए, अच्छा मत लिख लेकिन बुरा लिखिए ज़रूर, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। नमस्कार।